सुल्तानपुर सिमरी दरगाह निवासी पीड़ित ने दरोगा बंद मुकदमे में समझौते के नाम पर 24,002 के खिलाफ FIR पुलिस कर रही मामले की जांच। सुल्तानपुर जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज, कड़ाके कई क्षेत्र में तेज हवा हुई बारिश। सुल्तानपुर नगर की सड़कों पर धड़ल्ले से हो रहा है बिना नंबर के डंपर का प्रयोग, अवैध खनन में हो रहा है डंपर का प्रयोग। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर वृद्ध की स्थानिक परिस्थितियों में मौत, दिल्ली जाने के लिए अमेठी से स्टेशन पर पहुंचा था वृद्ध। सुल्तानपुर जगदीशपुर अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे में DCM वाहन के चालक की मौत, हेल्पर घायल, परिवार में मचा कोहराम। सुल्तानपुर जयसिंहपुर बिरसिंहपुर अस्पताल में शुरू हो गया प्रसव, सफल सामान्य प्रसव से बच्ची ने लिया जन्म। और 4 जून को मत भूलिएगा, क्योंकि एक सुल्तानपुर हमारा अपना सुल्तानपुर चैनल है, 4 जून को सुबह 6 बजे सबसे तेज और सबसे सटीक आपको अपना सुल्तानपुर हर अपडेट देता रहेगा, छोटी छोटी अपडेट देता रहेगा। EVM जब खुलेगा उसके बाद ही नतीजे यहाँ पे पता चलेगा कौन किस पे कितना भारी। फिलहाल सुल्तानपुर के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह की अपील निराश, सजा बहाल, विशेष अभियोजन वैद्य पांडे ने दी जानकारी। सुल्तानपुर जयसिंहपुर धनंजय गांव में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, दहेज के लिए मारे जाने की आशंका, पुलिस कर रहे मामले की जांच पड़ताल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुल्तानपुर हीट वेव के मद्देनजर CDO अंकुर कौशिक ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, दी जानकारी। सुल्तानपुर दोस्तपुर में एक चौकीदार की हुई मौत, दोस्तपुर कोतवाल और दरोगा ने दिया कंधा। सुल्तानपुर के लम्बोबैती कलर टोल प्लाजा के पास खड़ी ट्रक में जा घुसी फॉर्चुनियर, 2 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। सुल्तानपुर राजेपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दीवार धकेलने का लगाया आरोप, पुलिस ने किया केस दर्ज, मामले की जांच पड़ताल जारी। सुल्तानपुर लम्बो बेदू पार्क गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक हुआ फरार। सुल्तानपुर लम्बो में नायब तहसीलदार को दी गई भावभीनी विदाई। सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गांव की महिला को पति ने दिया 3 तलाक। सुल्तानपुर लम्बो सिहोली स्थिति सत्यतांडा पर संत समागम में जुटे हजारों श्रद्धालु, संतों की चली अमृतवाड़ी। आप देख रहे थे एंकर भोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर जिले की बुलेटिन खबरें। खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। जुड़े रहे भोलू जहांगीर के साथ अपना सुल्तानपुर न्यूज चैनल से।